Hello everyone, my name is Jaffi Sanjog. बहुत सालों पहले उत्तम प्रदाव नाम का एक राजा था. उसकी सुनीति सुरुचि नाम के दो रानी थे. उनके दो बेटे थे. सुरुचि का बेटा का नाम ध्रुव और सुरुचि का बेटा का नाम उत्तम. उत्तम एक दिन राजा की गोद में बैठकर खेल रहा था और ध्रुव वहां पे आया और दौड़ता हुआ जाकर अपने पिताजी के बाएं कोट पे बैठ गया और रानी सुरुचि ने उनको उसको जोर से खींचा. ध्रुव को जोर से खींचा और खींच के उसे पिताजी से उसे अलग कर दिया और रानी सुरुचि ने उसे खूब डांटा और बोला कि तुम घर लौट जा. और वो रोते रोते हमने माँ के पास गया और बोला कि पिताजी हमसे क्यों प्यार नहीं करते. कोई भी हो पिताजी हमें बच्चों से प्यार करते हैं ना. मैं घर मेरे पिताजी मुझे इनकार कर रहे हैं. उनके प्यार पाने के कुछ और मांग है क्या. दो रानी 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 माता सुनीति ने बोला कि तुम भगवान विष्णु का तपस्या करोगे तो तुम्हारे पिताजी तुम्हें प्यार करेंगे. ये सुनकर ध्रुव जंगल के ओर चल पड़ा. वहाँ पे उसको रास्ते नारंग मूली मिले और बोला नारंग मूली कि तुम जंगल क्यों जा रहे हो. जंगल में तो बहुत खतरा है. जंगल में तो बड़े बड़े जानवर रहते हैं. इसके बाद ये सुन के ध्रुव ने बोला कि मुझे मेरे पिताजी के प्यार पाए के भगवान विष्णु का तपस्या करना है. और नारद मुनि ने उसको मंत्र बताया. ओम नमक भगवते वासुदेवाय का मंत्र बताया और बोला कि नदी में स्नान करो फिर एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करो. और ये सुन के ध्रुव नदी के ओर चल पड़ा. वहाँ पे स्नान किया फिर एक पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या शुरू कर दिया और 5 महीने तक बिना खाए बिना पिए बिना सोए कड़ी तपस्या किया. और 5 महीने तक उसको भगवान विष्णु दर्शन दिए और बोले भगवान विष्णु कि